वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में बंद पड़ी प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है और अब प्रदेश में 3300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में अभी कार्य फिलहाल जारी हो गया है। उद्योग विभाग के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करके औद्योगिक इकाइयों को गति देने में यहां लगातार जुटे हुए हैं। इस दौरान उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने और जाना कि औद्योगिक इकाइयों को लेकर विभाग की आगे की क्या प्लानिंग है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अब चौपट होती नजर आ रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उद्योगों को और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग विभाग को गति दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ उद्योग विभाग के आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल जी हमसे बात करेंगे। सर, 20 अप्रैल के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया और उद्योगों को गति देने के लिए कि उद्योग विभाग कितना प्रयास कर रहा है और कितने औद्योगिक क्षेत्रों में अब काम शुरू हो चुका है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले भी जो एसेंशियल कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ थी उनको राज्य सरकार ने किसी भी अनुमति की बाध्यता से मुक्त कर दिया था, लेकिन चूंकि वो कैटेगरीज काफ़ी कम थी, उसमें मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, एसेंशियल आइटम्स, फूड आइटम्स, कुछ और लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी, इसलिए लगभग 1800 के करीब यूनिट्स उस समय शुरू हुई थी जिनमें 40-50 हज़ार के करीब लेबर काम कर रही थी पूरे स्टेट में। 20 तारीख के बाद निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जो यूनिट्स अभी काम करने लगी हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह की कैटेगरी की जो परमिटेड कैटेगरी की जो लिस्ट थी वही अब नहीं है बाध्यता, और शहरी क्षेत्र में भी रिको एरियाज़ में काफ़ी हद तक छूट मिली है। तो उसके चलते अब इंडस्ट्रीज़ लगातार खुल रही हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लेबर के पास जारी करा रही हैं, हालांकि अनुमति की आवश्यकता अभी भी किसी इंडस्ट्री को नहीं है। तो 3300 से अधिक यूनिट्स पूरे राज्य में प्रारंभ हो चुकी हैं जिसमें 70,000 से अधिक इन नए यूनिट्स में लेबर है, तो करीब 1,25,00,000 के करीब लेबर अब जब काम पे आ चुकी है। वहीं 4200 के करीब 5200 के करीब इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम करना शुरू कर चुकी हैं। इनमें कई लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, 100 से अधिक लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें भी 20-25 हज़ार के करीब श्रमिक काम कर रहे हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल है, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी काम कर रही हैं। हालांकि राज्य के कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या में यह आंकड़ा अभी हमें कम लगेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयास से। इंडस्ट्रीज़ भी अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है और वो लगातार खुल रही है। सबसे बड़ी उद्योग विभाग की इस कोरोना महामारी के बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरी है, अर्थव्यवस्था की हालत जो खराब हुई है, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने में उद्योग विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी भूमिका होती है। क्या प्रयास विभाग करेगा कि आने वाले समय में उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी और उद्योग विभाग उद्योगों के माध्यम से रोजगार बढ़ा सकता है। आगे की कोई इस प्रकार की रणनीति जिस पे तैयार कर रहा है विभाग ताकि इस अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटा जा सके। देखिए, वैसे भी जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्से को कवर करते हैं, GDP के भी बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं, रोजगार भी देते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को। और धीरे धीरे राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी यही मंशा रही है कि उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए, नया उद्योग लगाने के लिए कम से कम रेगुलेशंस हों और अधिक से अधिक इंसेंटिव्स हों। COVID-19 के पहले भी इसी मॉडल पे काम होता था, जैसा कि राज्य सरकार ने 2019 के जुलाई महीने में MSME एक्ट लाके देश में सबसे पहले ये कोशिश की कि उद्योगों को शुरू करने के लिए जो समस्याएं होती हैं 3 साल तक के लिए उनको किसी भी तरह के सर्टिफिकेट या ऐसी फॉर्मेलिटी से मुक्त कर दिया जाए। 2019 के दिसंबर में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निवेश प्रोत्साहन योजना आई, उसमें भी राज्य सरकार ने काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस नई इंडस्ट्रीज़ को दी, जिसका सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहा था। तो उन्हीं इंसेंटिव्स के साथ, उन्हीं नीतियों के साथ राज्य सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, पर साथ ही नए जो निर्णय लिए जाने हैं इस मुश्किल दौर में सपोर्ट करने के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो श्रमिकों के वेज के पेमेंट के लिए कुछ इंसेंटिव की या सपोर्ट की ज़रूरत हो, या उन्हें लोन को चुकाने के लिए रिलैक्सेशंस की ज़रूरत हो, तो इसके विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, RBI है, भारत सरकार के कुछ विभाग हैं, जैसे ESIC से श्रमिकों के पेमेंट की एक मांग लगातार उठ रही है, तो उसके लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है।
तो राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर भी जो भी संभव प्रयास हैं और केंद्र सरकार को अनुरोध करने की दृष्टि से भी सभी संभव प्रयास कर रही है, और जो टास्क फोर्स सरकार ने बनाई है उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार बहुत ही अच्छी नीतियों और निर्णयों के साथ उद्योगों को सपोर्ट करने का प्रयास करेगी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, महामारी के चलते जो ये महामारी उत्पन्न हुई चीन में, चीन से ही अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि जो तमाम जो जापानी कंपनियां हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, वो वहाँ से निकलना चाह रही है। क्या राजस्थान में भी उद्योग विभाग ऐसे कोई पहल कर रहा है कि जो वहाँ से जो कंपनियां निकल रही है, जापानी कंपनियां, वो राजस्थान में निवेश करें, इसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? जी निश्चित रूप से जो कंपनीज अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करके दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट होंगी, उसमें भारत भी, भारत के सभी राज्य प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान भी उनमें से एक है। यहाँ भी अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उद्योग मंत्री जी ने इस विषय में आवश्यक निर्देश दिए हैं, और जेट्रो ऑर्गेनाइजेशन के साथ निरंतर बात चल रही है, और भी अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जो जापानीज कंपनीज वहाँ से अपनी यूनिट्स बंद करेंगी, उनकी उनको आइडेंटिफाई करना और उनके उन तक पहुंचने के लिए कॉन्टैक्ट्स ढूंढ निकालने का काम लगातार चल रहा है। हालांकि सारे स्टेट्स इसमें प्रयास कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, हर स्टेट कोशिश करेगा कि वो यूनिट्स हमारे पास आएँ, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि निमराणा में और एक डेडिकेटेड जोन है, जापानी जोन है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लंबे समय से जापानी उद्योगपति और औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं, उनके माध्यम से प्रयास करेंगे। और कोरोना के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रस्तावित दौरा जापान में था, जिसको भी अब बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से जापान के साथ संवाद स्थापित किया जाए, इस पर पूरा प्रयास चल रहा है और एक बाकायदा कार्य योजना बनाकर इस पर काम किया जाएगा। तो यह है मुक्तानंद अग्रवाल जी, जो इस विभाग के आयुक्त हैं। लगातार इनका कहना है कि विभाग औद्योगिक इकाइयों को गति देने में जुटा है, जल्द ही प्रदेश के सभी औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू होगा और अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटेगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मिंटू सिंह नरू का एवं टीवी जयपुर।